हवाई रिक्शा। कई साल पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रिक्शा चलाता था। उसका एक पोता था बंटी। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंटी को उसके दादाजी ने ही पाला था। एक दिन गिरधारी लाल अपने रिक्शा के पास जाते जाते गिर जाता है। बंटी भागकर अपने दादाजी को उठाता है। अरे दादाजी उठिए, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगा। बंटी भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी गिरधारी लाल का चेकअप करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन वह बंटी को एक कोने में ले जाकर अकेले में बोलते हैं। देखो बंटी, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी का इलाज कर दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है शायद उन्हें कैंसर है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बंटी के दादाजी ने बंटी से पूछा। क्या बात है बेटा बंटी, क्या कहा वैद्य जी ने? अरे कुछ नहीं दादाजी, आप बिल्कुल ठीक हैं, मामूली सा बुखार है, आप दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे। और आप रिक्शा की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि रिक्शा चला सकता हूँ। अगले ही दिन से बंटी रिक्शा चलाने लगा, लेकिन बंटी की उम्र देखकर उसके रिक्शा में कम लोग बैठते थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात में दादाजी की सेवा करता। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन दादाजी ठीक नहीं हुए। एक दिन बंटी गर्मी के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? बंटी ने उनको अपनी दादाजी की बीमारी और अपने घर के सारे हालात बताए। यह सुनकर साधु महाराज ने बंटी से कहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें हिमालय में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से तुम संजीवनी बूटी ला सको, और उसे तुम अपने दादाजी को खिलाना, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज, मैं हिमालय तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है इस रिक्शा के अलावा। बेटा यह रिक्शा ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम रिक्शा पे बैठकर बोलोगे तो तुम्हारा रिक्शा उड़ने लगेगा और तुम जहाँ चाहो इसे ले जा सकते हो। साधु महाराज बंटी के कान में वह मंत्र बोलते हैं। बंटी रिक्शा में बैठकर वह मंत्र पढ़ता है और रिक्शा उड़ता हुआ सीधा हिमालय पर्वत पहुंचता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और बंटी वहां से संजीवनी बूटी लाकर अपने दादाजी को खिलाता है। उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला कमलू यह देख के उनसे जलने लगता है। अरे अरे बंटी बेटा, क्या बात है, तुम्हारा रिक्शा तो उड़ने लग गया, क्या बात है, क्या जादू मंत्र करते हो? बंटी भोलेपन में उन्हें मंत्र बता देता है और कमलू लालच में आकर अपने रिक्शा पर बैठकर वह मंत्र पढ़ता है। क्योंकि कमलू के दिल में चोर था और उसने लालचवश अपने रिक्शा को उड़ाना चाहा, और उसका रिक्शा थोड़ी देर उड़कर एक गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और बंटी के दादाजी ने उनसे कहा। देखो भाइयों, किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ज्ञान मिले उसका हमें अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। सुल्तानपुर गांव में सलीम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। सलीम गांव के बाहर एक छोटे से गैराज में काम करता था। अरे सलीम, वो जीप ठीक हो गई क्या? जी सेठ जी, बस एक घंटे का टाइम दीजिए। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तभी सलीम का दोस्त सोनू उससे मिलने आता है। अरे सोनू, तुम कैसे हो? क्या बात है, उदास लग रहे हो। हाँ सलीम भाई, क्या कहूँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरी बहन रीमा की शादी है, बस उसी के लिए पैसों के इंतजाम में लगा हूँ। अरे सोनू, तुम फिक्र मत करो, रीमा हमारी भी तो बहन है, बताओ कितने पैसे चाहिए? यार सलीम, अगर 2 लाख रुपए मिल जाते तो बात बन जाती। 2 लाख? इतने तो सेठ जी भी नहीं देंगे। तभी विकास वहां पर गाड़ी लेकर आता है। विकास बहुत ही पैसे वाले माँ बाप का इकलौता बेटा था।
और उसे तेज गाड़ी चलाना और शर्त लगाना बहुत पसंद था। विकास की गाड़ी देखकर सोनू कहता है, अरे वाह सलीम, इतनी अच्छी गाड़ी। उसकी बात विकास सुन लेता है। हाँ हाँ, बड़ी गाड़ी तो है, लेकिन इसे हाथ मत लगाना, तुम जैसे लोग गाड़ियों को खराब कर देते हो। यह सुनकर सलीम कहता है, अरे विकास भाई गुस्से ना होइए। नहीं सलीम, कोई बात क्यों नहीं, गाड़ी में बैठा होगा कभी यह, कार की बात करता है। विकास की यह बात सुनकर सलीम के मन में एक विचार आता है। ऐसी बात नहीं है विकास भाई, इसके पास भी एक कार है, एक अनोखी कार, जैसी आपके पास भी नहीं होगी। क्या कह रहे हो तुम सलीम, मेरे पास नहीं होगी? अच्छा ठीक है, लगी शर्त, 4 दिन बाद मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम इसे इसकी खास कार में लेकर आओगे, और अगर वैसी कार कहीं नहीं हुई तो मैं तुम्हें शर्त के 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है विकास भाई, हमें मंजूर है। अरे सलीम, तूने एक कैसी शर्त लगा ली, कार कहाँ से लाएंगे? अरे सोनू, शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया, बाकी तुम मेरे पर छोड़ दे। सलीम गैराज के कोने में पड़े एक पुराने स्कूटर और एक कार के बारे में श्यामलाल से बात करता है। सेठ जी, मुझे वो पुराना स्कूटर और कार दे दीजिए, आप भी देखिए मैं उसका क्या बनाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ले लो। सलीम खाली समय में अपने काम में लग जाता है। वह बाइक और कार को आधा आधा काट लेता है और उन्हें बीच में से वेल्डिंग करके जोड़ देता है, और 2-3 दिन की मेहनत करके उसको एक बाइक कार में बदल देता है। वह दिखने में एक अनोखी कार थी जो वाकई में किसी के पास नहीं थी। 4 दिन बाद शर्त का दिन आ जाता है। वह दोनों उस बाइक कार में बैठकर विकास के घर जाते हैं। उनकी अनोखी कार देखकर वहां सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विकास भाई, ऐसी कार तो नहीं होगी ना तुम्हारे पास? क्या मजाक है ये, यह कोई कार है? विकास भाई तुम ऐसा नहीं कह सकते, कार तो है ही ये। विकास सलीम को पैसे देने से मना कर देता है। आवाज सुनकर विकास के पिता बाहर आते हैं। सलीम की अनोखी कार देखकर विकास के पिता खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी कार बनाई है। विकास, अगर तुमने शर्त लगाई है तो इनके पैसे दो। विकास चुपचाप सलीम को 2 लाख रुपए दे देता है। यह लो सोनू, हमारी बहन रीमा की शादी के पैसे। धन्यवाद सलीम। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इस बाइक कार को कहो, जिसकी वजह से रीमा की शादी के पैसों का इंतजाम हो पाया है। नकली पुलिस जीप। गोपालपुर गांव में 3 दोस्त अमन, चमन और मदन बचपन से ही एक साथ रहते थे। वह तीनों बहुत ही शरारती थे। स्कूल में वह कभी भी किसी भी बच्चे की कॉपी फाड़ देते, किसी को पत्थर मार देते और कभी तो टीचर की कुर्सी से चुंगम भी चिपका देते थे। एक दिन उन तीनों की शरारतों से तंग आकर स्कूल के हेडमास्टर ने उन तीनों को बुलाकर डांट कर कहा, देखो मैं तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अब तुम्हारी एक भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा सर, हमें पढ़ाई नहीं करनी। सर, आप हमें स्कूल से निकालने का उपकार कब करेंगे? ऐसा बोलकर वह तीनों हेडमास्टर के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हेडमास्टर तीनों के माता पिता को बुलाता है। उन तीनों के माता पिता हेडमास्टर से माफी मांगते हैं और जैसे तैसे वह तीनों स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। लेकिन बड़ा होने पर भी वह तीनों आवारा इकट्ठा ही घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस दिन भर गांव में घूमकर शरारतें करते रहते हैं। एक दिन मदन की पिताजी की वर्कशॉप में एक पुलिस की जीप ठीक होने के लिए आई। मदन उसे लेकर चौपाल पर बैठे अपने दोनों दोस्तों के पास आया। अरे वाह मदन, ये पुलिस की जीप कहाँ से ले आए? अरे तुम्हें इससे क्या, चलो आओ घूम कर आते हैं। तभी अमन बोलता है, अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग पुलिस बनकर लोगों को तंग करें। तभी उन्हें जीप में पीछे 3 पुलिस की यूनिफॉर्म पड़ी मिलती है। वह तीनों नकली पुलिस बनकर पुलिस जीप को गांव से कुछ दूर पर सड़क के बीचों बीच लगा देते हैं और हर नए आने जाने वाले को चेकिंग के नाम पर तंग करते हैं और उसे पैसे ऐंठते हैं। तभी एक आदमी बाइक पर आता है। वह उसे रोककर उसे बाइक के कागज मांगते हैं। अरे रुको रुको, बाइक के कागज दिखाओ। वह आदमी उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो भाई? अरे दिखता नहीं, पुलिस है पुलिस, यहाँ चेकिंग चल रही है।
हाँ हाँ चलो बाइक की डिक्की खोलो। और अगर मैं डिक्की ना खोलूं तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। वह आदमी खुद जाकर पुलिस की जीप में बैठ जाता है और तीनों से कहता है, तो ठीक है पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, चलिए। अरे अरे कौन हो तुम भाई? वह आदमी अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाता है। वह गोपालपुर थाने का नया पुलिस इंस्पेक्टर था। यह देखकर वह तीनों घबरा जाते हैं और वह तीनों पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगते हैं। तो बच्चों दोबारा कभी पुलिस मत बनना, और मैं तो कहता हूँ शरारतें छोड़कर अपना कुछ काम करना शुरू करो, मेहनत करो। वह तीनों दोबारा फिर कभी शरारत ना करने की कसम खाते हैं और अगले ही दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर देते हैं। तरबूज का चंदन एक फल की दुकान में नौकरी करता था। उसका मालिक बहुत कंजूस था। वह चंदन से सारा दिन काफी काम लेता था लेकिन तनख्वाह बहुत कम देता था। चंदन को सारा दिन गर्मी में खड़े होकर फल बेचने पड़ते थे। कई बार तो गर्मी की वजह से वह बीमार भी हो जाता था। उसका मालिक कभी उसका ध्यान नहीं रखता था, हमेशा उसे दुत्कारता ही रहता था। एक दिन चंदन ने अपने मालिक से कहा, मालिक आपने मुझे पिछले महीने भी आधी तनख्वाह दी थी और इस महीने आपने अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया। मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप आज मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे पिछले महीने तूने काम ही कितना किया है, 10 दिन तो तू बीमार पड़ा रहा और तू तो इतना आलसी है कि बैठे बैठे ही सो जाता है। एक बार दुकान पर चोरी भी हो गई तेरी वजह से, तेरे पैसे तो नुकसान की भरपाई में ही निकल गए। नहीं मालिक ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से कोई चोरी नहीं हुई। एक तो काम चोरी और ऊपर से बहस करता है, मैं तो तुझे वैसे भी निकालने ही वाला था, यह शुभ काम मैं अभी कर देता हूँ। जा मेरी दुकान छोड़कर, निकल जा यहाँ से। अब क्या कह रहे हैं मालिक, दुकान छोड़ दूँ? ऐसा मत कीजिए, मेरे पैसे तो दे दीजिए। फिर वही पैसे? किस बात के पैसे? कुछ ले जाना ही है तो ये तरबूज के छिलके यहाँ से उठा कर ले जा, समझ ले यही तेरी तनख्वाह है। अगर यह तरबूज के छिलके ही मेरी कमाई है तो मैं इन्हीं से कुछ कमा कर दिखाऊंगा। तरबूज के छिलके उठाकर चंदन वहां से चल पड़ता है। मेहनत करके वह एक लकड़ी के फ्रेम की गाड़ी बनाता है और सभी तरबूज के छिलके उस पर लगा देता है। दिखने में लगता है कि वह एक तरबूज की गाड़ी है और अपने मैकेनिक दोस्त की मदद से वह उस गाड़ी में एक पुराना कार का इंजन जोड़ देता है। इंजन लगाते ही गाड़ी चल पड़ती है। चंदन अपने दोस्त का शुक्रिया करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। हाँ कुछ दिनों में मैं तुम्हारे इंजन के पैसे भी दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं चंदन, पहले पैसे कमा लेना, काम कर लेना, फिर दे देना। चंदन अपने दोस्त से विदा लेकर वापस अपने मालिक के पास आता है। मालिक देखो, आप कहते थे ना यही तेरी कमाई है, देखो मैंने तरबूज के छिलकों से कितनी अच्छी कार बनाई है, आओ मैं आपको इसमें घुमाकर लाता हूँ, वो भी बिना पैसों के। यह सुनकर उसका मालिक शर्मिंदा हो जाता है। तभी एक दूसरा फल की दुकान वाला उस कार को देखता है। वह चंदन से कहता है, अरे चंदन क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें गाड़ी का किराया भी दूंगा और तनख्वाह भी, इसके अलावा कमीशन अलग। चंदन ऐसा ही करता है। अरे वाह, फल की गाड़ी तरबूज की शेप में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, चलो यहीं से फल खरीद लेती हूँ। तरबूज की गाड़ी देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं और उसके पास फल फ्रूट खरीदने आते हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से चंदन को अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। Please subscribe.